हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, आपका हम सोशल साइंस का क्लास 9th का हिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ा दिए थे और 8 चैप्टर था, तो 4 चैप्टर अभी हम लेकर आ रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव और दोनों बताएंगे और कल आपका मॉर्निंग में क्लास 10th का हिस्ट्री डाल देंगे। फिर सिविक्स छोटा हो तो आपका, यानी 6 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आपका ज्योग्राफी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको भी कर देने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 चैप्टर आपका डाल दिए थे, भौगोलिक खोज, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का डाल दिए थे। वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइएगा, आप दो तीन दिन पहले सोशल साइंस का डाले हैं, देख लीजिएगा, उससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सिलेबस में ही आ रहा है तो उससे क्वेश्चन रहेगा। अभी हम नाजीवाद पढ़ेंगे चैप्टर में भी, आपके सिलेबस में भी है, देख लीजिए नाजीवाद और हिटलर। तो आपका देखिए कौन कौन हम पढ़ा दिए हैं, देखिए यहाँ पर आप सिलेबस जो BPSC द्वारा दिया गया था उसमें हम भौगोलिक खोज पढ़ा दिए हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा दिए हैं, फ्रांस की क्रांति पढ़ा दिए हैं, नाजीवाद अभी पढ़ाएंगे, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा दिए हैं। तो ये 4 टॉपिक आपका पढ़ा दिए हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे नाजीवाद, आदिवासी समाज, कृषि और राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कैसे हुआ था, ये 4 को हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो ये आपका 9th का ख़त्म हो जाएगा, फिर 10th में आपका 8 को है उसको भी हम देख लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 5वां जो चैप्टर है नाजीवाद है। अब देखिए नाजीवाद क्या है, तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी पर आपको पता है कि वर्साय की संधि लागू हुआ था और उसको आरोपित संधि भी हम लोग कहते हैं, जिसमें जर्मनी को बहुत टॉर्चर किया गया था, जितना भी युद्ध में खर्चा हुआ था सब उससे वसूला गया था, उसके बहुत सारे क्षेत्र को छीन लिया गया था, बहुत सारे क्षेत्र में उसको सेनाहीन कर दिया गया था। तो एक नाजीवाद, एक बोल सकते हैं विचारधारा उत्पन्न हुआ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में, उसी को नाजीवाद कहते हैं। तो लिखा है यूरोप में दो विश्व युद्ध नहीं, यहाँ लिख सकते हैं कि यूरोप में दो काट दीजिएगा, विश्व युद्ध में इटली में, याद रखिएगा इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद, पूछेगा कि फासीवाद जो था किसके नेतृत्व में, तो इटली के मुसोलिनी थे उसके नेतृत्व में फासीवाद, और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा नाजीवाद का प्रवर्तक कौन है तो बताइएगा हिटलर, पूछेगा फासीवाद का प्रवर्तक कौन है तो मुसोलिनी है। बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, नाजीवाद का हिटलर है और फासीवाद का मुसोलिनी है, ठीक है। आगे लिखा है नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा थी जिसके राष्ट्र की सर्वोपरियता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, यानी राष्ट्र के लिए कुछ भी कर देंगे, समझे। इसमें था कि जो भी इसका विरोध करता था इस विचारधारा में उसका सफाया कर दिया जाता था, समझे। तो ये लोकतंत्र का इसमें नहीं था, लोकतंत्र का ये विरोधी था। तो नाजीवाद एक आक्रमण विचारधारा थी जिसमें राष्ट्र के सर्वोपरियता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। आगे है प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, में पराजय के समय जर्मनी का शासक कैसर विलियम द्वितीय था, जो त्यागपद देकर जब 18 में हारा तो वो त्यागपद देकर कहाँ चल गया, तो 1918 में हॉलैंड भाग गया, समझ गए। फिर लिखा है एडोल्फ हिटलर का जन्म, 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था, पूछ देगा कब हुआ था, तो 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। हिटलर को फर्स्ट वर्ल्ड वार में अभूतपूर्व, मतलब अच्छा, मतलब लड़ाई लड़ा था जर्मनी की तरफ से, तो उसको एक आयरन क्रॉस पुरस्कार, मतलब पुरस्कार उसको मिला था। तो पूछेगा कि हिटलर ने प्रथम वर्ल्ड वार में उसको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आयरन क्रॉस पुरस्कार मिला था। आगे है हिटलर का एक नीति था, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अफवाह को इतना न फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे, यानी अफवाह कोई है गलत अफवाह है तो उसको इतना न फैला दो कि सबको लगे कि वो सही है। तो पूछे किसने कहा था, तो हिटलर ने कहा था कि अफवाह को इतना न फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। आगे है हिटलर ने जेल में रहते ही अपनी आत्मकथा मीन कैफे, इसी को मेरा संघर्ष लिखते हैं, जब जेल में था तो उसने मीन कैफे यानी मेरा संघर्ष एक क्या लिखा था, अपनी आत्मकथा लिखा था। 1920 ईस्वी में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी पार्टी, नाजी दल का क्या किया था, स्थापना किया था।
नाजी पार्टी का प्रतीक स्वास्तिक था, पूछेगा कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो स्वास्तिक बोलिएगा। आगे है जर्मनी का रूड, सर याद रखिएगा, जर्मनी का जो रूड जो शहर था वो औद्योगिक रूप से संपन्न जगह था, यानी पूछेगा कि रूड क्या था, तो जर्मनी का एक बहुत संपन्न जगह था, समझे, इंडस्ट्री के जैसे मुंबई भारत के लिए हो गया वैसे, तो जर्मनी का रूड जो जगह था वो औद्योगिक रूप से क्या था, संपन्न जगह था। आगे है जर्मनी के निम्न सदन को राइस स्टैंग कहते हैं, पूछेगा जर्मनी के हम निम्न सदन को क्या बोलते हैं, तो राइस स्टैंग कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी, पूछेगा विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी कब आई थी, तो 1929 में, पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी कब आई थी, तो 1929 में, कब बताइएगा, तो 1929 में। आगे है 1933 में जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का प्रधानमंत्री या इसी को चांसलर बोला जाता है, समझ गए, तो 1933 ईस्वी में जर्मनी के राष्ट्रपति जो हिंडनबर्ग थे वो इटली के सॉरी जर्मनी क्या नाम हिटलर के को जर्मनी का क्या बनाया, प्रधानमंत्री या इसी को हम लोग चांसलर भी बोलते हैं बनाया। जब जर्मनी में जर्मन गणतंत्र की समाप्ति हुई और नाजी क्रांति का शुरुआत हुई, तो हिटलर ने इसे तृतीय राइस राइस नाम दिया था, यानी नाजी दल को क्या नाम दिया था, तो तृतीय राइस राइक नाम दिया था। आगे है 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद जर्मनी का सर्वा सर्वा यानी सब चीज सब पद पर वही आ गया, सर्वे सर्वा हिटलर बन गया, क्योंकि राष्ट्रपति और चांसलर का पद एक कर दिया, यानी राष्ट्रपति जो चांसलर होगा वही राष्ट्रपति होगा, इसीलिए जर्मनी का क्या हो गया कि सर्वे सर्वा ओ हो गया। आगे है नाजीवाद में उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध, यानी लोकतंत्र उसमें नहीं था, जो उसका विरोध करता था उसको मरवा देता था। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करने की प्राप्त करते ही प्रेस और वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी जो हम लोग का 19A है वहाँ पर जो बोलने का कोई चीज़ अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता को क्या किया, हिटलर जैसे गद्दी में पड़ा इसको क्या कर दिया, तो प्रतिबंध कर दिया और विरोधी दलों को सफाया करना, यानी जो उसका विरोध करता था उसको मरवा देता था हिटलर। आगे है नास्ती शब्द जर्मन भाषा के शब्द नाथसियोनोल्स के प्रारंभिक अक्षरों से लिया गया है, इसीलिए नाजी पार्टी के लोगों को नास्ती कहा जाता था। आगे है हिटलर ने गुप्तचर पुलिस गेस्टापो की स्थापना की, पूछेगा कि गेस्टापो क्या है, तो बोलिए गुप्तचर पुलिस थी। हिटलर का नारा था एक राष्ट्र और एक नाता नेता, याद रखें हिटलर को पूछे किसका नारा है, एक राष्ट्र एक नेता, तो हिटलर का। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी, यानी यहूदी का विरोध कर कितना यहूदी को कटवा दिया था हिटलर ने, समझ गए, तो हिटलर जो था वो सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः सस्तीकरण यानी जो वर्षाय के संधि के तहत इनको हथियार हथियार नहीं रखने का मतलब अति था, वो पुनः क्या कर दिया, सशस्त्र रखने का क्या कर दिया, मुक्त की घोषणा कर दी 1935 ईस्वी में, समझ गए। 1936 ईस्वी में जर्मनी इटली और जापान के बीच कामिनस्टन विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसे ही हम लोग रोम बर्लिन टोक्यो भी सम्मेलन भी कहते हैं। आगे हिटलर 1945 में बर्लिन में आत्महत्या कर ली, मतलब हार गया तो आत्महत्या कर लिया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन तथा जर्मनी के पूछेगा राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन, तथा इसका मुद्रा पहले मार्क था लेकिन वर्तमान समय में इसका मुद्रा क्या हो गया है, तो यूरो हो गया है, समझ गए। आगे है जर्मनी 1933 ईस्वी में राष्ट्रसंघ था बना हुआ था 1920 में, उससे क्या हुआ कि संबंध विच्छेद सदस्यता वापस ले लिया, हट गया उससे, और पूछेगा ये सदस्य कब बना था इसका, इसका ये सदस्य बना था 1925 ईस्वी में, राष्ट्रसंघ की सदस्यता लिया था 1925 में, और 1933 में क्या कर लिया, 8 साल बाद ये सदस्यता वापस ले लिया, समझे, राष्ट्रसंघ से हट गया। और 35 में देखिए 25 में सदस्यता लिया राष्ट्रसंघ का, 33 में ही उससे हट गया, 35 में वर्षाय का जो संधि 1919 में हुआ था उससे क्या कर लिया, ये उससे मुक्त हो गया, बोला कि हम इसका बात उत नहीं मानेंगे। आगे है
यहूदियों के प्रार्थना गृह को सिनगांव तथा इसके प्रमुख धर्म ग्रंथ तोराह कहते हैं, यानी यहूदियों के जो प्रसिद्ध जो धर्म ग्रंथ था उसे तोराह कहते हैं और इसके जो प्रार्थना गृह था उसको सिनगांव कहा जाता है। हिटलर के समर्थक हिटलर को फ्यूहरर कहते थे, फ्यूहरर कहते थे। समझ गए, तो ये आपका नाजीवाद हो गया। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तभी बताया है ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889 में। आगे है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो स्वास्तिक था, अभी बताया है। मिनकैप किसकी रचना है, तो हिटलर की है। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था, तो रूड था। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो पहले मार्क था, लेकिन ऑप्शन में आपका यूरो नहीं दिया है, पहले ये मार्क था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। आगे है आपका क्वेश्चन, सही कथनों पर चुनाव करें, कि हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, तो सही बात है, वो समर्थक नहीं थे, सही बात। अगला है नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक नहीं, इसका कार्यक्रम यहूदी विरोधी होता था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। फिर है नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था, तो निरंकुश सरकार नहीं था, समझ गए। आगे है वर्षाय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे, तो बिल्कुल सही बात है। आगे है नाजीवाद में सैनिक शक्ति और हिंसा को ग्रामित किया जाता है, ये भी सही बात, ये आपका इतना सही है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। हिटलर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, तो 1889 में हुआ था। हिटलर जर्मनी के चांसलर के पद पर कब नियुक्त हुआ था, देखिए 33 में चांसलर के पद पर आया और 34 में क्या हो गया कि वो उसका मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना। देखिए आपको बताया भी है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, 33 में क्या हुआ था कि वो कि उसको हिंडनबर्ग जो राष्ट्रपति थे उसको बनाए, समझ गए, 33 में, और 34 में क्या हुआ कि वह प्रधानमंत्री बनाए राष्ट्रपति हिंडनबर्ग उसको, और 34 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो सबसे वह बन गया, समझ गए, याद रखिएगा 33 में, ठीक है। तो हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद पर कब संभाला, तो 1933 में। आगे ही जर्मनी ने राष्ट्र का विच्छेद 1933 में, वर्षाय को 35 में किया, और 33 में संबंध विच्छेद कर लिया, और 25 में क्या हुआ था, सदस्यता ग्रहण किया था। आगे है नाजीवाद का प्रवर्तक कौन है, तो हिटलर हो जाएगा। जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहते हैं, तो स्टैंग यहाँ लिखे हैं, उसको बोला जाता है, हम लोग क्या कहते हैं निम्न सदन को, हम लोग राइस स्टैंग कहते हैं, राइक स्टैंग कहते हैं, जो लिखा है जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहते हैं, राइक स्टैंग कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अगला, अब हो गया, अब आगे हम लोग आते हैं चैप्टर 6 में है, अब वन के बारे में पढ़ना और आदिवासी के बारे में पढ़ना, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। भारत में वन संप्रदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो लगभग 22-25% यानी 21.5% के लगभग में है, इसको लीजिएगा 21% भारत की भूमि पर वनों है। सबसे ज़्यादा वन पूछेगा तो मध्य प्रदेश में, परसेंट में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब परसेंट में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपका वो हो जाएगा मिजोरम में है। आगे है कि भारत में आदिवासी अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में, यानी भारत दूसरा स्थान पर है यहाँ आदिवासी के में, समझ गए, इसको याद रखिएगा। आगे है आदिवासी एवं वनों के बीच एक सहजीवी संबंध है, यानी आदिवासी वन पर ही निर्भर है, वन भी आदिवासी पर निर्भर है, सहजीवी का मतलब यही होता है। भारत में भील पूछेगा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन जनजाति है, तो भील, उसके बाद गोड आता है, तब उसके बाद संथाल आता है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा भील, गोड और संथाल। आगे है आदिवासी की सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरगुल है जो चैत शुल्क तिथियों को मनाया जाता है, समझ गए, सरगुल है जो चैत शुल्क तिथियों को मनाया जाता है। आगे है डैट्रिच बैडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने 1864 ईस्वी में वन सेवा और सन 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ की कटाई पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया, समझ गया, याद रखिएगा 1854 और 25। पहाड़ी विद्रोह, विद्रोह के बारे में आते हैं, तो देखिए भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ था पहाड़ी विद्रोह, जिसके नेता कौन थे, तो तिलका मांझी थे, समझ गए, कौन थे इसके नेता, तिलका मांझी थे, समझ गए। इसके बारे में और यहाँ कर देते हैं क्योंकि यहाँ कुछ लिख दिए है, यहाँ ये तिलका मांझी का जन्म पूछेगा कब हुआ था, तो यहाँ लिखा हुआ है 1750 ईस्वी में भागलपुर के सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी को फांसी 1785 में दिया गया। तिलका मांझी का पहला संथाल था जो भारत के प्रथम तत्कालिक कोई कलेक्टर पर पहला हमला किया था, मतलब अगस्टस क्लेव
लैंड पर क्या क्या था, हमला किया था। तो तीन चार बात याद रखिएगा आप तिलका मांझी की। तिलका मांझी पर यूनिवर्सिटी है भागलपुर में, समझ गए? तो याद रहिएगा पहाड़िया विद्रोह भागलपुर के राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेता तिलका मांझी था। आगे, किसी भी देश के पर्यावरण संतुलन के लिए 33% भूभाग पर वन होना जरूरी है। आगे है, भारतीय प्रायद्वीपियों के मूल निवासियों को हम लोग आदिवासी कहते हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या होता है? देखिए, कोई भी जो शक्तिशाली कंट्री है, कोई कमज़ोर देश पर अपना शासन स्थापित कर देता है तो उस मतलब उपनिवेश बोला जाता है कि शक्तिशाली देश का ये देश, जैसे भारत और ब्रिटेन किया, उपनिवेश बोला जाता है, राष्ट्रमंडल भी कहते हैं। तो ये लिखा है कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र कमज़ोर या गरीब राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व कायम करता है तो उस कमज़ोर राष्ट्र को उस शक्तिशाली राष्ट्र का उपनिवेश कहते हैं। अब आते हैं झूम खेती। क्या होता है झूम खेती में? क्या होता है, सिंपल याद रखिएगा कि फसल लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं, उसके बाद उसको जो होता है जला देते हैं, जो राख बचता है उसमें बीज को क्या करते हैं रोक रख देते हैं, और उसके बाद बारिश होता है तो बीज भूमि में चल, जोतते नहीं हैं, समझ गए? उसको याद रखिएगा, या कोई छोटा हल से उसको जोतते हैं। आगे है, तिलका मांझी बारे में बता ही दिए कि 1785 में भागलपुर में जन्म हुआ था, तिलका में फांसी 1785 में दिया गया, तिलका मांझी तो हो ही गया। अगला है तमार विद्रोह। पूछेगा तमार विद्रोह कब हुआ था? 1789 में उराव जनजाति ने किया था, मतलब तमार विद्रोह पूछेगा कब हुआ था, 1789। तमार के बाद चेरा विद्रोह, बिहार के पलामू में रहने वाले चेरा जनजाति ने शुरू किया 1800 में भूषण सिंह के नेतृत्व में। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में चेरा विद्रोह को दबा दिया गया और 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। उसके बाद है चुआर विद्रोह। चुआर जनजाति ने रानी सिरुमनी के नेतृत्व में विद्रोह किया था। अगला है हो विद्रोह। 1820-21 में छोटा नागपुर के ही सिंहभूम जिले में हुआ था, राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध में। कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा उराव एवं अन्य जनजातियों के द्वारा 1831 में हुआ था। गैर आदिवासी को दिकू कहा जाता था। पूछेगा कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई। 1832 ईस्वी में बीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत की गई। गंगा नारायण के को गंगा नारायण हंगामा के नाम के इतिहास में जाना जाता है। अगला है संथाल विद्रोह। 1854-55 ईस्वी में सिंधु कान्हू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र को दामन एक कोह कहा जाता था। चुल्लू संथाल के चार पुत्र थे, सिंधु कान्हू चांद और भैरव, याद रखिएगा। आगे है संथाल विद्रोह का आरंभ डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से आरंभ हुई थी, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। 1885 ईस्वी में अधिनियम 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार संथाल परगना जिला बनाकर उसे वहीदगत क्षेत्र घोषित किया गया, यानी कोई नहीं जा सकता। आगे मुंडा विद्रोह। 1899 से 1900 में छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह किया था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को पलामू जिले के तामर के निकट उलिहाटू में हुआ था। बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया था। 1899 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरी पर हमला आक्रमण कर दिया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये की घोषणा की गई थी। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया और वहाँ पर हैजा बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई जून में। अगला है कंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ था और इसका नेता चक्र बिसोई था। 1 नवंबर को याद रखिएगा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड बना। अब आते हैं हम लोग भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था, 1865 में, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, 1865 में ही आपका यहाँ दिए हैं, शुरू में ही दे दिए हैं कि आपका कब पारित हुआ था। में है, समझ गए, तब पारित हुआ था। 64 में आपका वन विशेषज्ञ वन सेवा शुरू हुआ था और भारतीय वन अधिनियम 1865 में हुआ था, समझ गया, तो 1865। दूसरा है तिलका मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1700 आपका 1750 में हुआ था, याद रखिएगा।
तीसरा है तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था, 1789 में हुआ था, समझ गए, 1700 इसका डेट याद कर लीजिएगा, इसका 1750 हो जाएगा। अगला है चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे, तो पलामू के रहने वाले थे, इसको याद रखिएगा, कहाँ के थे, पलामू के, ठीक है। किस जनजाति के शोषण विहीन के लिए, तो इसके लिए हुआ था, किसके लिए, तो ये हुआ था कोल के लिए, किसके लिए, कोल के लिए। आगे है भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो भूमिज विद्रोह आपका 1832 होगा, भूमिज देखिए यहाँ होगा, संथाल से पहले भूमिज हुआ था, 1832 में भूमिज हुआ था, ठीक है, 1832 में आपका कौन हुआ था, तो भूमिज हुआ था, ठीक है। उसके बाद है सन 1855 में संथाल विद्रोह के नेता इनमें से कौन थे, तो सिंधु और कानू थे, एक को नाम दिया सिंधु हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने ईसाई में से कब आक्रमण किया, तो ये किया आक्रमण कब, तो आपका 99 में। भारतीय संविधान ने किस धारा के अंदर आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है, तो इसका तो देखना होगा धारा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। झारखंड को कब राज्य बनाया गया था, तो 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। अब आते हैं हम लोग शांति का प्रयास, ठीक है, 7वां चैप्टर है। प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में देखिए दो को बना हुआ था, शांति के लिए दो संगठन बना था, एक राष्ट्र संघ था और दूसरा बना था संयुक्त राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ का स्थापना आपको पहले ही बता दिए थे 1920 में हुआ था, और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 में हुआ था, समझ गए। लिखा है प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ तो विश्व में शांति की मांग उठने लगी, समझ गए। तो अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री प्रस्ताव के प्रयास से 10 जून 1920 लिख लीजिएगा, 10 जून 1920 को राष्ट्र संघ की क्या की, स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद देता है कब हुआ था। राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति का स्थापना करना तथा युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना था। आगे है राष्ट्र संघ में शामिल होने के लिए कोई देश को राष्ट्र संघ के दो तिहाई जो सदस्य थे उनसे सिफारिश लेनी हो, वो बोलते थे तभी, दो तिहाई सदस्य बोलेंगे तभी आपको शामिल हो सकते थे। राष्ट्र संघ के तीन प्रमुख अंग थे, व्यवस्थापक का परिषद और सचिवालय। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा था। राष्ट्र संघ का असफलता का मुख्य कारण थर्ड वर्ल्ड वार का नहीं होना तथा खुद अमेरिका इसका सदस्य नहीं था। पूछेगा कि राष्ट्र संघ का सदस्य था अमेरिका, तो नहीं। अब आते हैं हम लोग यूएनए संयुक्त राष्ट्र संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए एक बैठक हुआ था, डाम बस्टन ओक्स सम्मेलन से बैठक में पारित हुआ, उसके बाद आपका 24 अक्टूबर 1945 को। तो पूछा गया कहाँ बैठक हुआ था, डाम बस्टन ओक्स में सम्मेलन हुआ था। अगला है कि यूएनओ, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में, के निर्माण करने के रूप में स्टालिन मतलब मुख्य रूप से यानी राष्ट्रपति थे रूस के, इंग्लैंड के राष्ट्रपति थे प्रधानमंत्री चर्चिल, और अमेरिका के आपके राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह जैतून की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी, लेकिन वर्तमान समय में देखिए आपकी किताब में 192 लिखा हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में 193 सदस्य है, समझे। दक्षिणी सूडान क्या है, आपका सबसे अंतिम सदस्य है। फिर पूछेगा कि भारत कब बना इसका सदस्य, 1945 में ही बना। फिर है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, समझ गए। यूएनओ में 6 प्रमुख अंग है, इसमें सबसे प्रमुख अंग आम सभा को माना जाता है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अंग है, इसमें सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यूएनए में चार्टर में क्या है, 111 धाराएं है, पूछ देगा। सुरक्षा परिषद इसका अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य है तथा 10 अस्थायी सदस्य है, जिसमें 5 जो अस्थायी सदस्य है उनको वीटो पावर है। पूछेगा वीटो पावर किसको अधिकार प्राप्त है, तो अस्थायी सदस्य को। अस्थायी सदस्य कौन कौन है, तो चाइना हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया और इंग्लैंड हो गया, ये सब। और अस्थायी जो सदस्य होते हैं 2 साल के लिए नियुक्त होते हैं, समझ गए, ये परमानेंट नहीं होते हैं, 2 साल के लिए क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, हर 2 साल पर इसका चुनाव होता है, समझे। और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, याद रखिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख कानूनी संस्था है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड का हेग है, याद रखिएगा।
सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है और यह राष्ट्रसंघ का क्या है, सचिवालय ही क्या होता है, मुख्यालय होता है। प्रथम महासचिव ट्रिग्वेली थे राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ के, और वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो गुटेरस इसके क्या है, अभी आपके वर्तमान में इसके महासचिव है। यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, समझे, 5 को जो अस्थायी सदस्य है। यूएनओ में 6 भाषाओं को मान्यता दिया गया, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अब आते हैं क्वेश्चन में कि राष्ट्रसंघ का सचिवालय कहाँ, देखिए वो राष्ट्रसंघ है जो 1920 में बना था, तो इसका आपका जिनेवा था, न्यूयॉर्क का संयुक्त राष्ट्रसंघ का, ठीक है, तो इसका जिनेवा। इनमें से कौन सा राष्ट्रसंघ था, अमेरिका नहीं था। अगला है राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, तो भविष्य में युद्ध को रोकना। आगे राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी, 1920 में। आगे निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र का विशेष एजेंसी है, तो आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका कहाँ है, आपका न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन में सफल परिचय हुआ था, तो डाबस्टन ओक्स में। आगे है वर्तमान में देखिए तो 193, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है 193, तो 192 ही टिक करेंगे, 193 होगा दक्षिण। अगला है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी, तो 5 आपके अस्थायी, 10 अस्थायी होते हैं। राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है, तो आम सभा है। कौन है आपका, आम सभा। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, तो एंटोनियो गुटेरस है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, तो आपका कितना है, तो 111 है। आगे है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अधिकारी क्या होता है, तो महासचिव होता है। कौन होता है, महासचिव, समझ गए। अब हम लोग आते हैं 8वां लास्ट है 9th का, कृषि और खेतिहर समाज। तो लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्द एग्रोस और कल्चर से बना हुआ है, समझ गए। इसमें एग्रोस का अर्थ भूमि तथा कल्चर का अर्थ जुताई होता है, अर्थात कृषि का अर्थ हुआ भूमि का जुताई। आगे कृषि के अंतर्गत आपका खेती करना भी आता है, वानिकी की यानी वन भी आता है, पशुपालन भी आता है और मत्स्य पालन भी सम्मिलित है। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में माना जाता है, पूछेगा कृषि की शुरुआत कब हुई थी, तो नवपाषाण काल में हुआ था, लेकिन सिंधु सभ्यता में नियोजित विकास हुआ इसका। सिंधु सभ्यता को हम लोग कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु नदी मिस्र के नील नदी से ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी को बहा लाती है, समझ गए। सबसे उपजाई मिट्टू जलोढ़ मिट्टी है, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला भी है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि जीवन की रीढ़ होती है, यानी जीवन जीने का यही एक कृषि माध्यम है। आगे बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 80% अभी तो कम गया, 70% के आसपास है, 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। बिहार की कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के कारण यहाँ की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहते हैं, यानी बारिश नहीं हुआ तो पूरा कृषि खत्म हो गया। धान के लिए उष्ण मतलब गर्म वाला क्या चाहिए, जलवायु चाहिए तथा दोमट मिट्टी चाहिए। गेहूँ के तो ठंडी के समय में होता है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए तथा हल्की दोमट मिट्टी। और मक्का के लिए गर्म और क्या चाहिए, आर्द्र जलवायु तथा नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी चाहिए। अब ये दलहनी फसल आ गया क्वेश्चन, दलहनी फसल फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ, जड़ की गांठ में पाया जाता है, तो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है, समझ गए। शाही लीची बिहार किस क्षेत्र में मिलता है, तो जानवे करते हैं, मुजफ्फरपुर में मिलता है। रबी फसल देखिए, रबी होता है जिसमें हमारा क्या आता है, तो रबी में हमारा गेहूँ आता है, समझ गए। तो इसमें गेहूँ कब होता है, तो हमारा सितंबर अक्टूबर में इसको करते हैं, बोते हैं। आगे है केला मुक्ता, तो केला के लिए तो हाजीपुर आपका प्रसिद्ध है। आगे है चावल बिहार किस जिले में सबसे ज़्यादा, चावल आपका रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा होता है, समझ गए। गर्मा फसल कब होता है, तो एक ग्रीष्म ऋतु में होता है, यानी ककड़ी जो होता है, उसके बाद आपका तरबूजा वगैरह सब गर्मी में क्या होता है कि ऋतु में होता है। आगे है रेशेदार फसल को चुने, तो रेशेदार आपका कपास होता है। आगे अगहनी पौधे को ही हम लोग खरीफ कहते हैं, तो खरीफ आपका कौन हो जाएगा, चावल हो जाएगा। आगे है कि कपास एक क्या है, तो रेशेदार फसल है, क्या है,
रेशेदार। मक्का क्या कैसा फसल है? तो अगहनी या इसी को हम लोग खरीफ भी कह सकते हैं, खरीफ फसल, ठीक है। तीसरा है भारत एक क्या है? तो कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि पर। अगला है कि भारत की दो तिहाई जनसंख्या क्या है? आपका कृषि पर निर्भर है। एग्रीकल्चर लैटिन दो सबसे बना हुआ है, इसका तो कल्चर होता है, एक का कल्चर, एक का होता है एग्री, था का एग्रीशियन कुछ था लिखे, क्या था? एग्रोस और कल्चर से बना हुआ है, क्या से? एग्रोस, एग्रोस और कल्चर से बना हुआ है। चावल सर्वाधिक आपका रोहतास जिला हो जाएगा। बिहार में, बिहार की कृषि गहन निर्वाह प्रकार की है, इसके अंतर्गत वर्ष में चार प्रकार की क्या होती है? बोरी काटी जाती है आपका, है ना, खरीफ, गर्मा, ये सब आपका आता है, रबी हो गया। चावल के लिए कैसा चाहिए? तो आपका उष्ण चाहिए, समझे, उष्ण जलवायु चाहिए। गेहूं के लिए कैसा मिट्टी चाहिए? तो हल्की दोमट मिट्टी चाहिए, हल्की दोमट मिट्टी, और गेहूं हो गया। मकई के लिए कैसा? तो मकई के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए, समझ गया। तो ये आपका हो गया। अब 10th का कल करवा देंगे सुबह में, आप लोग इतना देखिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। जो लोग नहीं देखेंगे पहला बार 1-4 वाला, उसको देख लीजिएगा, मिल जाएगा, समझ गए। थैंक यू।